नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रेट जीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे OTT प्लेटफॉर्म, और OTT प्लेटफॉर्म के साथ डिस्कस करेंगे कि जो IP मिनिस्ट्री है उसने यहाँ पे अपना एक रेजोल्यूशन पारित किया है और कहा है कि जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हों, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, Amazon प्राइम हो, Hotstar हो, इन सभी पर जो है वो अब यहाँ पे IP मिनिस्ट्री का कंट्रोल होगा और एम्बिट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का, इस तरीके से जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है उसका यहाँ पे प्रीव्यू रहेगा। और कहा है कि OTT प्लेटफॉर्म पर अब केवल और केवल वो चीज़ें सस्टेनेबल तरीके से दिखाई जाएंगी या उनको यहाँ पे एक्सट्रीम किया जाएगा जो कि एक नॉलेजफुल है, जिनके ऊपर हम करंट की नॉलेज, यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़, बहुत सारे चैनल्स, उन पर यहाँ पे प्रोग्राम कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, कोविड का टाइम है और इस कोरोना वायरस के टाइम पीरियड पे सभी टॉकीज, सभी प्रकार के जो थिएटर्स हैं वो ऑल फिलहाल बंद हैं, और ज़्यादातर जो ऑनलाइन जो ऑडियंस है या जो ऑडियंस ज़्यादातर ऑनलाइन चीज़ों को प्रेफर करती है वो यहाँ पे हॉटस्टार, डिज्नी हॉटस्टार आप सभी जानते होंगे, उसके बाद नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, बहुत सारे जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं इसका यूज़ करते हैं। और जो वेब सीरीज़ नए नए तरीके के लॉन्च होते हैं, नई कोई अगर मूवी लॉन्च होती है तो उसको दोस्तों एक सब्सक्रिप्शन के माध्यम से, चाहे वो मंथली सब्सक्रिप्शन लें या फिर वो ईयरली सब्सक्रिप्शन लें, उनके माध्यम से उस वीडियो को वॉच करते हैं, उस वीडियो को देखते हैं। इसी के बेसिस पर दोस्तों गवर्नमेंट ने, यानी जो हमारी IB ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, उसने यहाँ पे कहा है कि यहाँ पे OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक बंदिश लगानी चाहिए, एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म की एक बाउंड्री लगानी चाहिए जो कि चीज़ों को होस्ट करे और एक कंटेंटेबल चीज़ों को यहाँ पे प्रोड्यूस करे, चाहे वो ऑडियो प्लेटफॉर्म में हो या फिर वो वीडियो प्लेटफॉर्म में हो या फिर वो किसी शॉर्ट मूवी फीचर्स के माध्यम से ही क्यों ना हो। सो इसी बेस पर दोस्तों जो इंटेलिजेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, उसने यहाँ पे सजेस्ट किया है कि यहाँ पे कंटेंट दे आर द लाइकली एज व्यूज बेस्ड ऑन द पोस्ट व्यूअरशिप ऑन द प्लेटफॉर्म मोस्ट OTT प्लेटफॉर्म्स, यानी आज के टाइम पीरियड पे OTT प्लेटफॉर्म पर जितनी व्यूअरशिप आती है बाय मंथली सब्सक्रिप्शन एंड ईयरली सब्सक्रिप्शन, उसमें जो जनरली एक विजिबल जो कंटेंट है या विजिबल जो ऑडियंस है वो यहाँ पे देखने वाली है, और ऑडियंस कहीं ना कहीं चाहती है कि हमें चीज़ें ट्रस्टेबल हों, चीज़ों में जो हमें वीडियो दिखाई जा रही है उसमें झूठ ना हो, उसमें प्रॉपरली चीज़ों को एक साफ तरीके से, या फिर उस पर कोई यहाँ पे सेंसर बोर्ड होना चाहिए जो कि इन OTT प्लेटफॉर्म्स को यहाँ पे कंट्रोल कर सके और हमें वो चीज़ देख पाएं जो कि हमारे जीवन से रिलेटेड हों, या फिर आज के दोस्तों टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा जो डिज्नी हॉटस्टार हो गया, अमेज़ॉन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, इसमें जो अडल्ट वेब सीरीज़ ज़्यादातर देखने को मिलती हैं, इन वेब सीरीज़ को लोग दोस्तों प्रेफर तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो एक नेगेटिविटी फैलती है, हमारे समाज में जो एक कहीं ना कहीं जो एक नेगेटिव सेंस जाता है या लोग उसको कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रेफर नहीं करते, उस पर भी एक बंदिश होनी चाहिए। और जैसे अगर आप कोई स्टोरी प्ले कर रहे हो इन OTT प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, तो उसके अंदर भी एक मिनिस्ट्री का कंट्रोल होना चाहिए, मिनिस्ट्री का यहाँ पे पावर होना चाहिए जिससे वो एक सेंसर बोर्ड गठन कर सके और वो सेंसर बोर्ड डिफाइन करे कि भैया कौन सी चीज़ दिखानी है और कौन सी चीज़ यहाँ पे नहीं दिखानी है। इसके अलावा दोस्तों IB मिनिस्ट्री ने ये भी कहा है कि यहाँ पे जितने भी OTT सेक्टर्स हैं उनको यहाँ पे रेगुलेशन के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म को रेगुलेट किया जाएगा, फिर उसी के तरीके से जो ट्रस्टेबल कंटेंट है वो यहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा इन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और इंटरनेट के माध्यम से, जो कि दोस्तों द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उसने यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के तहत OTT प्लेटफॉर्म को यहाँ पे प्रपोज किया और कहा कि भैया हम इस तरीके से सेल्फ रेगुलेटरी एक मॉडल तैयार करते हैं जो कि ऑनलाइन तरीके से आपको जो कंटेंट है ऑनलाइन आप प्रोवाइड जो कर रहे हो उसमें यहाँ पे एक बंदिश होगी, एक उसमें सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म तैयार करेंगे जो कि प्रॉपर टू टायर स्ट्रक्चर के रूप में वर्क करेगा, और एक दोस्तों प्रोसेसर जो इसका होगा, या हम कहें इसका हम
जो एक सिस्टम तैयार करते हैं या फिर जो एल्गोरिथम एक बनाते हैं उसको यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत रखा जाएगा, जो कि एक ट्रस्टेबल तरीके से होगा कि आप इसमें कुछ अनावश्यक चीज ना दिखा सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिल्मों में जब कोई फिल्म रिलीज होती है या कोई मूवी रिलीज होती है किसी थिएटर में, तो उसको एक प्रीव्यू लिया जाता है सेंसर बोर्ड के माध्यम से। तो वही प्रीव्यू लेगा यहाँ पे द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि कंट्रोल में रहेगा हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत, और वही यहाँ पे डिफाइन करेंगे या डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज उस OTT प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए, कौन सी चीज यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। इससे दोस्तों जो यहाँ पे हमारा बॉलीवुड है या बॉलीवुड से आने वाली जो वेब सीरीज है, जो हमारा एक सिस्टम है वीडियोस का, वो भी कंटिन्यू बना रहेगा, ऑडियंस भी कंटिन्यू बने रहेगी। और जो हमें COVID-19 का जो खतरा है कि भैया अगर टॉकीज खुलेंगे या सिनेमाघर खुलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कोविड का फैलने का जो खतरा है उससे भी हम बच सकते हैं। और एक छोटे से सब्सक्रिप्शन बेस पर, चाहे आप वो फ्लिपकार्ट माफ़ कीजिएगा, चाहे वो आप Amazon पर सब्सक्रिप्शन लें या फिर आप Netflix पर लें या फिर आप Hotstar पर लें, तो वो सब्सक्रिप्शन आपको पे करना पड़ेगा। और टाइम टू टाइम यानी जो टाइम को कोई मूवी या कोई फिल्म या कोई वेब सीरीज़ अगर रिलीज़ होती है तो आप उसको अपने घर पे बैठ के इंजॉय कर सकते हो, घर पे बैठ के देख सकते हो, और उसमें आपको यहाँ पे कोई हिचक की भी आवश्यकता नहीं होगी और आपकी प्राइवेसी, आपकी जो लेगेसी वो भी इसमें सेफ रहेगी। तो इस तरीके का जो हमारा मिनिस्ट्री है यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, उसने इस तरीके से एक प्रपोजल रखा है इन OTT प्लेटफॉर्म के सामने। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे लिए पॉजिटिविटी है और इसको समझना, इसको सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो फिल्म्स होती हैं, जो मूवी होती है, जो वीडियो होती है, वो समाज का एक दर्पण होते हैं। और अगर समाज का दर्पण हमें एक अच्छी चीज़ें दिखाएगा, हमें एक पॉजिटिव चीज़ें दिखाएगा, समाज में रेवोल्यूशनरी चीज़ें दिखाएगा, चीज़ों को समझने का प्रयास करेगा, तो कहीं ना कहीं हमारा समाज, हमारी सोसाइटी में रहने वाले लोग अच्छे हेल्दी माइंड के यहाँ पे बनेंगे, और जो न्यूट्रल थिंकिंग रखने वाले लोग हैं वो यहाँ पे आएंगे, और जो हमारे युवा है, जो यूथ है, उसका कहीं ना कहीं जो माइंड एक अदर जगह पे फैला हुआ है या अदर एक सोशल मीडिया पर उसका दिमाग घूमा हुआ है, वो भी यहाँ पे कंट्रोल में आएगा और पॉजिटिव और एक सकारात्मक इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा इस कोविड टाइम पीरियड में भी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इसे ज़रूर समझे होंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर आउट कर सकते हो। थैंक यू।